सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जिस रात आप सुकून से सो रहे थे, जी हां दोस्तों, रात भर आप सुकून से सोए होंगे, लेकिन आप जान लीजिए जैसे ही रात के 12 बजे जब चारों तरफ अंधेरा छा गया तो गाजा पर इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अब तक का सबसे भारी भरकम और खतरनाक हमला गाजा पर कर दिया है। गाजा स्ट्रिप पर ऐसा हमला इजराइल ने शायद ही पहली बार किया हो, क्योंकि रात भर उसने बड़े बड़े अटैक किए हैं, यानी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, जिसमें कई बच्चों के मारे जाने की खबर आई है और कई लोगों के भी मारे जाने की खबर आई है, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान शामिल हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें घायल और मारे गए हैं। पूरी पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है और लगातार खतरनाक हमले किए गए हैं। F-16 विमान का इस्तेमाल करते हुए बम गिराए गए हैं, यानी पूरी तरह से बमबारी की गई है। और बताया ये भी गया है कि दोबारा से फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, जिससे बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत गाजा की हो गई है। गाजा में चारों तरफ से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लगातार हमले चारों तरफ से गाजा को ऐसा लग रहा था घेर कर इजराइल ने किया है। ऐसा हमला किया कि गाजा में, पूरे गाजा में अंधेरा कर दिया गया। Yes, sir. الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر आपको बता दूं, ऐसे हमले करने के बाद भी नेतन्याहू का एक बार फिर से बयान आया है कि हम ऐसे हमले लगातार करेंगे और करते रहेंगे। אזרחי ישראל, אנחנו מתמודדים במערכה עם שתי חזיתות. החזית האחת, עזה. אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור, ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. המילה האחרונה לא נאמרה, והמבצע הזה יימשך ככל שידרש כדי להשיב את השקט והביטחון למדינת ישראל. दोस्तों एक नया अपडेट आपको बता दूं, इस हमले से पहले यानी आज के दिन ही सुबह ही 17,000 नए सैनिकों को आर्मी में इजराइल ने भर्ती किया है, और जिन 17,000 में से 8,000 फौजियों को अपने डोम पर यानी आयरन डोम पर तैनात कर दिया है। गाजा के अलबाली में खतरनाक अटैक किया गया, जिसमें बताया गया है कि 50 लोगों को एक साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे। दोस्तों बस इतना जान लीजिए कि ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि मैं उसको यहां दिखा नहीं सकता, आप देख भी नहीं सकते।
खुदा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी तस्वीरें हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी ऐसा हाल हुआ है कि बच्चों के टुकड़े हो गए हैं, एक बच्चे का धड़ अलग हो गया है, एक बच्चा आधे मलबे में दबा है और आधा मलबे से बाहर है। ये मैं इसलिए आपको मुंह से बता रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो और फोटो नहीं लगा सकता, लेकिन सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार आपको ये भी बता दूं कि इसराइल ये जानबूझकर प्लानिंग करके कर रहा है। हमास जो है सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन गाजा पट्टी को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को इसराइल जानबूझकर टारगेट कर रहा है। दोपहर में उसने जो अटैक किया था उसमें स्कूल को भी टारगेट किया, उसमें बच्चों को भी टारगेट किया, हॉस्पिटल्स पे भी बमबारी करी, बिजली घर पे भी बमबारी करी। यानी आपको ये भी बता दूं कि पानी के प्लांट पे भी बमबारी करी। दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि करबला का मैदान गाजा बन गया है, क्योंकि आज का शिम्र फिलिस्तीनियों पर पानी भी बंद करना चाहता है। ऐसा लग रहा है करबला दोबारा लिखी जा रही है। दोस्तों ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि लगातार मौतें फिलिस्तीनियों की, बेगुनाह लोगों की हो रही है, जिसके बाद भी फिलिस्तीनियों की हिम्मत नहीं टूट रही है। आपको एक बात बता दूं, इतने बड़े हमले के बावजूद अल-कसाम ब्रिगेड ने साफ तौर से कह दिया है, इसराइल कुछ भी कर ले, हम अपने कितने भी साथी खो दें, कितने भी हम अपने साथियों को शहीद होता हुआ देख लें, हमें शहादत मंजूर है मगर इसराइल मंजूर नहीं है। इस बयान के कुछ देर बाद भारतीय वक्त के मुताबिक 3:23 पर इसराइल पर, एश्कलोन इलाके पर 50 रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से। וואו. इसके साथ बताया गया है कि कुछ रॉकेट अशदोद और बेरशीवा में भी दागे गए। इतना ही नहीं, हेब्रू इसराइल का जो इलाका है वहां पर भी मिसाइल दागी है और कई सारी मिसाइलें, कई सारे रॉकेट दाग रहा है हमास। लेकिन आपको पता है आयरन ड्रोम ज्यादातर मिसाइल को रोक ले रहा है, लेकिन फिर भी 20-25% मिसाइलें जमीन पर, घरों पर हिट हो रही हैं। दोस्तों एक और फैक्ट चेक हमने किया, खबर ये चल रही थी और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे थे, ट्विटर पे डाल रहे थे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं, अफवाहों से बचिए, ये खबर चलाई जा रही थी कि ग्राउंड अटैक करने के लिए, ग्राउंड मिलिट्री भेजने के लिए अप्रूवल मिल गया है, लेकिन क्लियर ये गाजा की तरफ से कहा गया है, अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ झूठ है और ये खुद झूठ इसराइल फैला रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे इलाके में नहीं घुसी है इसराइल की फौज। दोस्तों आपको एक अपडेट और देता चलूं कि अमरीका अब राजी हो गया है हमास और इसराइल के बीच में बात करने के लिए, बात करवाने के लिए, और संडे को यूएनएससी में मीटिंग का ऐलान किया गया है। इसी के साथ आपको फिर से अपडेट दे दूं कि संडे को हुई ओआईसी की मीटिंग सऊदी अरब में होगी। दोस्तों आपको बता दूं, सिर्फ 50 मिसाइलें नहीं दागी हैं, लगभग 300 मिसाइल अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से हमास ने गाजा से दागी है कई इलाकों पर। जी हाँ, कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, इसराइल के कई इलाकों में रॉकेट्स गिरे हैं। और भी जानकारियों के साथ, डिटेल के साथ बहुत जल्द अगली रिपोर्ट लेके आने वाला हूं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भैया
मेरे पास कोई बहुत बड़ी बीजेपी आईटी सेल की तरह मेरे पास टीम नहीं है, आप मेरी टीम बनिए, वीडियोस को हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करके हमारे चैनल को और अपने भाई की इस आवाज़ को मजबूत कीजिए। मैं हूँ रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।